इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना पैसा कमा चुके हैं रविदास जी, कभी अकाउंट चेक नहीं करते होंगे, कभी एक बार देखे ना, 5,000 रुपए हमारी सरकार ने बढ़ाया रविदास जी बेटे, रविदास जी को तनख्वाह मिलने की लोकतंत्र, लोकतंत्र की रक्षा तो यही पक्ष कर भी पाएगा। लेकिन भोले भटके आप जैसे कुछ लोग जो अभी भी समाजवाद की कुछ विरासत लेकर थोड़ा बहुत लेकर के चल रहे हैं, उनको छोड़ दें तो बाकी लोग तो समाजवाद के नाम पे परिवारवाद क्यों कराए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ी है, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि होगी, और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावनाओं को, जो असीम संभावनाओं वाला राज्य है, उसमें मैं बार बार कहता हूं कि बेहतर कनेक्टिविटी यूपी के अंदर, एमएसएमई का बेस, यूथ पावर, सबसे युवा और स्किल मैन पावर हमारे पास है, और प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर और जल संसाधन की जो संभावना है, इन सब को अगर देखेंगे, थोड़ा प्रयास सब लोग मिलकर के करेंगे, यूपी की इकोनॉमी को $1 trillion की इकोनॉमी बनने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। अभी हम बजट पे चर्चा करेंगे, इस पे बजट पे आएंगे, उधर से भी हम भी बोलेंगे इस पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि महोदय, दिसंबर 18 में प्रारंभ हुई थी, अब तक उत्तर प्रदेश के 2,60,00,000 किसानों के खाते में, अन्नदाता किसानों के खाते में 51,640 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से गई है, डीबीटी के माध्यम से। यह वर्ष इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, और मिलेट ईयर के नाम पर जो मोटा अनाज है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो है, जौ है, ये सभी को प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है श्री अन्न के रूप में, श्री अन्न के रूप में इसे प्रोत्साहित करने के लिए, और संभवतः कल पूरे सदन को आपके द्वारा भी दोपहर भोज में बुलाया गया है। मुझे लगता है कि जो मैंने सुना है कि आप मिलेट का ही उसमें जो है मेनू देने जा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने इस पूरे वर्ष को इसके रूप में मनाने के लिए, और इसके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था भी एक कार्यक्रम के रूप में कृषि विभाग लेने जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे सामने, और केवल प्रदेश नहीं, देश के सामने भी है, वह है कैंसर, लीवर फेल होने के, किडनी फेलियर के जो मामले सामने आ रहे हैं। इसका एक कारण है फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड, विष मुक्त खेती की तरफ हम कैसे जा सके, विष मुक्त खेती, यानी इससे अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है। देखिए आप, हम सब जान रहे हैं कि देश का एक राज्य जिसने केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में देश के अंदर हरित क्रांति में बड़ा योगदान दिया था, उस राज्य में एक ट्रेन ही कैंसर ट्रेन के रूप में चलती है, और यह स्थिति धीरे धीरे करके, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर एक कैंसर संस्थान टाटा ट्रस्ट के सहयोग से बना। मेरी एक दिन उनके साथ बातचीत हो रही थी, बिगत 4 वर्ष के दौरान 21,000 से अधिक कैंसर के रोगी वहां पर आए, और उन रोगियों का उपचार की कार्रवाई वहां पर संपन्न हुई। एक चैलेंज है हम सबके सामने, और वर्तमान और भावी पीढ़ी को अगर बचाना है तो इसके लिए गौ आधारित खेती एकमात्र आधार है, गौ आधारित खेती, गाय भी बचेगी, आस्था का भी सम्मान होगा, और
विष मुक्त खेती के माध्यम से हम अन्नदाता किसान को ज्यादा दाम भी दे पाएंगे। सरकार उसके लिए कदम बढ़ा रही है, बढ़ा चुकी है। हमारी सरकार ने तय किया है कि गंगा के किनारे तटवर्ती 27 जनपदों में, बुंदेलखंड में हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे और उसके लिए वहां पे हम लोग किसान अन्नदाता किसानों को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, सब्सिडी भी देंगे। इसके लिए क्लस्टर बनाए गए हैं गौ आधारित खेती के लिए, जिसमें 1714 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं और इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। गोवंश को बचाने के लिए, नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि उन्हें सांड से परहेज था, परहेज ही था, लेकिन कह रहे थे कि महोदय इस सांड, लेकिन मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, आप बैठे, लेकिन ये गोवंश हमारी सरकार ने तो कार्यक्रम बनाया है। 3 प्रकार की योजनाएं हमारी चल रही हैं। 1 शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गौ आश्रय स्थल, 10,00,000 से भी गोवंश वहां पे उनकी देखभाल की जा रही है। दूसरा, कोई भी अन्नदाता किसान जो अपने घर में रख करके 4 गोवंश की देखभाल करेगा, 4 गोवंश तक अनुमन्य है, उन्हें हम 900 रुपये प्रति गोवंश हर महीने देंगे। लगभग 1.5 लाख के आसपास किसान इसके साथ जुड़े हैं और 900 रुपये हर महीने दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं। तीसरा, कुपोषित परिवार निराश्रित गौ आश्रय स्थल से ब्याही हुई एक गाय, उस कुपोषित परिवार को दी जा रही है, जिस परिवार में मां या बच्चा कोई कुपोषित है या दोनों कुपोषित हैं, गाय और 900 रुपये हर महीने उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है। हमारी सरकार ने किया, लेकिन क्या 17 के पहले समस्या नहीं थी क्या? 17 के चुनाव में तो अन्ना प्रथा पे बड़ा हल्ला हुआ था बुंदेलखंड में, तब आप क्या कर रहे थे? एक दूसरा है कि आज का ये सच नहीं है कि दूध आप निकालते हैं और सड़कों पे उनको छोड़ देते हैं बेचारों को, ये भी सच है। बहुत सारी जगह ये चीजें बहुत सारी जगह देखने को मिलती हैं, लेकिन हम देखभाल करेंगे। आपका जो नारा था, जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है, ऐसा कुछ नारा लगता था, हमारा है कि भाई जो गाय सड़क पे दिखेगी उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए, हमने अगर उसको मां का संबोधन दिया तो सम्मान भी देंगे। और इसके लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, नस्ल सुधार की दिशा में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उसके संवर्धन की दिशा में कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, प्रदेश में डेयरी सेक्टर की स्ट्रेंथनिंग के लिए कार्रवाई भी हो रही है और इस दिशा में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बजट में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के लिए जो व्यवस्था बनाई है कि पिछली बार हम लोगों ने उनके जो विद्युत कनेक्शन के दाम थे उसको हाफ किया था और अगले धीरे धीरे करके अगले 4-5 वर्षों के अंदर उसको हम 0 पर पहुंचाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिससे हर एक अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली में पानी मिल सके, इस दिशा में सरकार कर रही है। कह रहे थे कि जो 20,000 का कृषि फंड बनना था, सिंचाई फंड बनना था, उसका क्या हुआ? ये जो बाण सागर की परियोजना पूरी हुई है, अर्जुन सहायक की परियोजना पूरी हुई है और सरयू नहर रस की परियोजना पूरी हुई और ऐसी लगभग 20 से अधिक छोटी बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई हैं, उसी से वही पैसे का उपयोग किया जा रहा है जिसके माध्यम से 2,200,000 हेक्टेयर भूमि को प्रदेश के अंदर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कर रहा है।
ये प्रदेश के अंदर हुआ है। और महोदय हम लोगों ने अभी 22-23 में सहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, 23-24 में तीन परियोजनाओं को, मध्य गंगा कसनौदा बांध और लखेरी बांध को पूर्ण करने का भी लक्ष्य रखा है, उसके सामने हम लोग कार्य कर रहे हैं। अन्नदाता किसानों के बारे में आप कह रहे थे क्या आय दुगनी हुई है, और मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर नोट कर सकेंगे तो अच्छा होगा महोदय, 12 से 17 के बीच बिचौलियों के माध्यम से प्रदेश में 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, ये किसान के खाते में नहीं हुआ, जिससे खरीदा गया उसके माध्यम से। लेकिन 17-18 से लेकर के 21-22 के बीच हम लोगों ने अन्नदाता किसानों से 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की और 40,159 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अब मुझे बताइए 12,800 करोड़ से बढ़कर के 40,159 करोड़ रुपए जा रहा है, यह पैसा सीधे किसान के खाते में गया, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। यही नहीं, 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मीडिएटर के माध्यम से